हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एक 3x3 मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए उससे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो अगर हम देखें तो हमारे पास है 12, 6, 3, सेकेंड रो हमारे पास है 24, 12, 6 और हमारे पास जो लास्ट रो है वो है हमारे पास 48, 24 और जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहां पे क्या आएगा, हमें ये इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस पजल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। चलिए अब इस पजल को सॉल्व करते हैं। इस पजल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे रो वाइज सॉल्व कर सकते हैं या आप इसे कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं। अगर आप देख पा रहे होगे तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या है, हमारे पास पहला है 12, उसके बाद हमारे पास 24, उसके बाद हमारे पास 48, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 12 का डबल हुआ है जो कि होता है 24 और हमारे पास यहाँ पे 24 का डबल हुआ है जो कि होता है हमारे पास 48। चलिए अब हम कॉलम 2 को भी देख लेते हैं। कॉलम 2 में हमारे पास क्या है, पहला 6, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 24, यानी कि कॉलम 1 में जो पहला नंबर है उसका डबल हुआ है 12, यानी कि 6 का डबल 12 और 12 का डबल हमारे पास होता है 24। तो लास्ट कॉलम में भी हमारे पास सेम होगा, डबल होता चला जाएगा। तो हमारे पास 3 का डबल होता है 6 और 6 का डबल हमारे पास क्या होगा 12, यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहां पे क्या आएगा, वहां पे 12 आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सेम तरीके से सॉल्व करते हैं रो वाइज। अगर आप फर्स्ट रो को देखोगे तो हमारे पास फर्स्ट रो में क्या है, 12, 6, 3, यानी कि यहाँ पे 12 का हाफ हुआ है जो कि होता है 6 और यहाँ पे 6 का हाफ हुआ है जो कि होता है 3। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन में रो 2 को देख लेते हैं जो कि है हमारे पास 24, 24 का हाफ होता है 12 और 12 का हाफ होता है 6, यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि जैसे कि पहले का हाफ और उसके बाद दूसरे का हाफ हो रहा है, उसी तरह हमारे पास जो रो 3 है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या होगा, 48 का हाफ जो कि होता है 24 और 24 का हाफ क्या होगा हमारे पास 12, जहां पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहां पे हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं।